दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई। खबर है कि पार्टी उन्हें झारखंड की चतरा या फिर धनबाद लोकसभा सीट से उनको टिकट दे सकती है। और आज सुबह ही सीता सोरेन ने जेएमएम और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। चुनाव से पहले सोरेन परिवार में ये बड़ी फूट है। के अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं। चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चाचा भतीजे में सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों का टिकट थमा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और इसी के साथ बिहार की कुल 40 सीटों पर घमासान के लिए बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे और वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काट कर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को फेल कर दिया और हाजीपुर सीट अपने पाले में कर ली। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तल्ख तेवर दिखाए थे और दो टूक बोल दिया था कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत